हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट इज नोन एज द वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि जो फॉरेस्ट है वो नेशन की वेल्थ है। वो कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो उसके लिए प्लीज पूरी वीडियो देखना ना भूलें। तो फॉरेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इंडिया की इकोनॉमी में। दे आर जनरली डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, इसको जनरली टू कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। नंबर फर्स्ट इज मेजर प्रोडक्ट्स एंड सेकेंडली माइनर प्रोडक्ट्स। पहले हम बात करेंगे मेजर प्रोडक्ट के बारे में। तो फॉरेस्ट जो है वो हमें वुड प्रोवाइड करता है, जो कि हमें यूज करते हैं हम एज अ फ्यूल, और वो लकड़ी जो कि हम इस्तेमाल करते हैं फॉर फ्यूल उसका नाम है टिम्बर। उसके अलावा जो हमें हाउसेस बिल्ड करना है, ब्रिजेस बनाना है, रेलवे ट्रैक्स बनाना है, फर्नीचर बनाना है, पेपर बनाना है, उन सब के लिए सेल और टीक नाम की जो वुड है वो इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा हम बात करें बैम्बूज की, तो बैम्बूज जो है वो पल्प बनाने के काम आते हैं। जो रोजवुड है वो फर्नीचर बनाने के काम आती है। उसके अलावा और भी जो डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स हैं वो रेडवुड से बनाए जाते हैं। सैंडलवुड जो है वो भी डेकोरेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर हम बात करेंगे माइनर प्रोडक्ट्स की, तो जो हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल लैक्स, रेजिन्स, गम, हर्ब्स, फॉडर, ये सारी चीजें भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। हर्ब्स और फॉडर आप समझ गए होंगे। हर्ब्स जो होती हैं छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं, जड़ी बूटियां जो हैं, वो सब हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। और फॉडर का मतलब होता है जो हमारे कैटल्स हैं जो ग्रेस करते हैं, यानी कि जो हमारा भूसा और बुरादा वगैरह जो होता है, वो सब चीजें भी हमें फॉरेस्ट के थ्रू ही मिलती हैं। उसके अलावा जो चारकोल है वो भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलता है। फॉरेस्ट जो है वो हमारे एनवायरमेंट में एक बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि वो जो है हमारा पॉल्यूशन जो है वो कम कर देता है। हमें पॉल्यूशन फ्री एयर जो है वो सिर्फ फॉरेस्ट की मदद से ही मिल सकती है। उसके अलावा अगर हम देखें इंडस्ट्रियल एरिया में, तो फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम दोनों ही तरीके से फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। उसके अलावा जो हमारा क्लाइमेट है वो भी जो है फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है। जो हमारी रेनफॉल है वो भी फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करती है। और हमारे जिस जगह पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट होंगे, वहां का जो रीजन होगा वो बहुत ज्यादा कूल और प्लीजेंट होगा। और हमें मालूम ही है सॉइल इरोजन जो है वो उसको बनाए रखने के लिए, उसको करने के लिए हमें फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो अपने अंदर जो सॉइल होता है उसको पकड़ के रखती हैं, जिससे जो सॉइल है वो बहने से बच जाता है। तो उसके लिए फॉरेस्ट का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो हम फ्रेश ऑक्सीजन की हमें जरूरत है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें जो फॉरेस्ट है वो ही प्रोवाइड कर सकता है। उसके अलावा जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं उसको कंजर्व करने के लिए भी फॉरेस्ट का ही हमें जरूरत होती है, क्योंकि सिर्फ ट्रीज ही एक सिर्फ वाहिद ऐसी चीज है जो कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक कर रहे हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वो बहुत ज्यादा योगदान दे रहा है। सो अगर आपको समझ में आया और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।